हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, मंत्रों की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उससे पूरी जगह का, पूरे वातावरण का माहौल बदल जाता है, यहाँ तक कि मन भी शांत हो जाता है। पर क्या मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपकी लव लाइफ भी बदल दे? आइए आज हम यही जानेंगे एस्ट्रोलॉजी की मदद से और उनकी मदद से जो हमेशा हमें गाइड करते हैं, द फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी से। आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी संपूर्ण मानव जगत को समर्पित सिद्ध ज्योतिष गुरु व प्रेरणादाता, जो विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं, यानी आचार्य श्री को केवल आवाज सुनकर ही जटिल से जटिल समस्या का समाधान निकालने में महारत हासिल है। होगी बरकत ऐसी की तेरे भाग्य के, गड़गड़ाते कदम भी आगे संभल जाएंगे। काशी विश्वविद्यालय एवं महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से आचार्य एवं पीएचडी की उपाधि लेने के बाद आचार्य श्री ने अनगिनत सिद्धियां हासिल की। आचार्य श्री कर्मकांड, पूजा पाठ, भागवत, भजन, सत्संग एवं प्रवचन इत्यादि में निपुणता रखते हैं। इसके अलावा आचार्य श्री को ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष विशारद, ज्योतिष मनीषी, ज्योतिष मार्तंड व ज्योतिष भृगु की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। गुण रहितम कामना रहितम। आचार्य श्री का मानना है कि आप अपनी समस्याओं के स्वयं जन्मदाता हैं और आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। इसी गुरु मंत्र के साथ आचार्य श्री लोगों को लक्ष्य निर्धारित करने में सदैव तत्पर हैं। तो आइए और जुड़ जाइए इसी श्रृंखला में, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में आपके सहायक सिद्ध होंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जी, और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत उलझनें चल रही हैं और आपको एक गाइडेंस चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए, बस फोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आपकी आचार्य जी से बात हो पाए। आचार्य जी, जादू टोना, किसी का किया कराया, हम जो भी बोलते हैं, क्या ये किसी पर भी करना संभव है और उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं? ये है तो बहुत बहुत बड़ी अव्यवस्था का नाम। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्रों में वो शक्ति, वो पावर, वो असीम क्षमता है जो किसी भी व्यक्ति के भाल, कपाट, भाग्य, किस्मत, लक में परिवर्तन तक कर दे। हम भूल नहीं सकते रावण को, जो अपनी जन्म कुंडली नित्य बनाया करते थे, जिन ग्रहों को जैसी आवश्यकता होती थी उनको वैसा बिठा लिया करते थे। इवन शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती, इसलिए उन्होंने उसे उल्टा लटका रखा था। और ये परंपरा उनकी ही बनाई हुई है कि शनि की मूर्ति नहीं बनाई जाती, इसलिए सिंगापुर में सिर्फ एक शिला के रूप में है। बाकी लोगों ने फिर तो अपनी सुविधा के लिए कर लिया, वो आप जानते हैं। तो एक्चुअली मंत्रों में कितनी शक्ति है ये हम आदिकाल से जान रहे हैं। वो ताकत उसके अंदर मंत्रों की ही थी। मैं रावण की बात कर रहा हूं अभी भी। वो विश्वस्त्रभा का पुत्र था, उसे मंत्र शक्ति संपूर्ण सिद्ध था, अच्छे से पता था उन्हें, इसलिए वो अपने ग्रहों को भी ऐसा बिठा लिया करते थे, जबरन नहीं, बलपूर्वक ही नहीं, मंत्र शक्तियों से। मंत्र की शक्ति थी उनके पास। मंत्र केवल और केवल मानव जनकल्याण के लिए है। ये तो शक्ति है ना आपकी, पावर का इस्तेमाल सही दिशा में होना चाहिए। जहां पर भी किसी को सुख दिला सकते हैं आप, तो ही इनका प्रयोग करें, वरना एक समय के बाद ये शक्तियां उन लोगों से भी समाप्त हो जाती हैं जिनके पास होती है। मिसयूज करेंगे किसी चीज का। रावण के पास
प्रॉब्लम हुई इस वजह से क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अगर वो सदुपयोग करता था तो वो राम से भी बड़ा होता था, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल उन शक्तियों का दुरुपयोग करने की वजह से उनके जीवन में तकलीफ हुई। आचार्य जी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले कॉलर से बात करते हैं। एकदम स्वागत है। हेलो। हाँ मैडम। वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। अपना नाम बताएं। अमर प्रताप सिंह बोल रहा हूँ मैडम। कोटा। कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा राजस्थान। बात करें आचार्य जी से। नमस्कार। नमस्कार प्रणाम साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 10/8/74। टाइम बताएं। 4:45 बजे। कहाँ जन्म हुआ? कोटा राजस्थान। मैं आपके जन्माक्षर के आधार पर बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफी अव्यवस्था दिखती है, आर्थिक संकटों का जो तालमेल है ना वो बिगड़ रहा है। क्या जानना चाहते हैं सर? जो हमारे पर बिजनेस का कर्जा है ना, हमने पैसे लिए लोगों से मार्केट से बैंक से, एकदम ठीक है, वो चुका नहीं पा रहे हैं। हमारे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा अच्छा, जिससे कि हम लोग ग्रोथ करके और रिफंडिंग कर सके, जिससे फंड लिया है। और परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं है, मम्मी पापा से, भैया से, बहन से जी। और कोई पैसा लेता है तो सर वापस नहीं करता मैं जी, हमसे कोई ले गया मांगकर घर से। किसके नाम पे कर रहे? वाइफ के नाम से, रंजना एंटरप्राइज, धर्मपत्नी जी के नाम पे जी। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। आपको सबसे पहला स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व पे काम करना है। कुंडली के पहला हाउस जी, जो आपका डैमेज है, आपका क्रोध, आपका इरिटेशन, आपकी ऐसी भाषा जो आप समझ रहे होंगे मैं किस पर बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो रही हैं, उसे एकदम ठीक करिए। दूसरा, आपको काम करना चाहिए अपने कुल देवता के नाम पर, फर्म बनाइए। फर्म का प्रोपराइटर कोई भी हो, आपकी धर्मपत्नी भी चलेंगी, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको काम आपके अपने कुल देवता के नाम पर ही करना पड़ेगा, ऐसी मान्यता है आपके परिवार में। इसके अलावा जब भी किया गया तब तक दुख और तकलीफ मिली है। दूसरी एक बात, जब तक आप अपने परिवार में भाई बहन माता पिता के साथ तालमेल नहीं बनाते तब तक आपके जीवन में दुख रहेगा ही रहेगा, और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेंगी आपकी पत्नी श्री जी। तो धर्मपत्नी जी को थोड़ा समझाएं, दोनों मिलकर के प्रेम से रहें और अपने परिवार के साथ तालमेल ठीक रखें, क्योंकि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना प्रकार की होती है, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना, नाना प्रकार की विपत्तियां बढ़ती हैं। तो विपत्तियों से बचने के लिए सुमति की आवश्यकता है, सही चिंतन की आवश्यकता है और कुछ उपायों की आवश्यकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, एक तो कुल देवता के नाम पे करें, कुल देवता का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत आवश्यक होगा आपको हनुमान उपासना करने की, भगवान बजरंग बली हनुमान जी की आप उपासना करना प्रारंभ करिए। आपके जीवन में दुख समाप्त होगा। गेहूँ, भुने हुए गेहूँ और गुड़ मिलाकर हर मंगलवार को भोग लगाएं, बंदरों को पुए खिलाएं, और आपको हर मंगलवार अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो सुंदरकांड का पाठ करने के बाद ही भोजन करें। जी सर जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शो पे कॉल करने के लिए। आचार्य जी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच जी, आपको धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई शंका है, कोई ऐसा डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हैं या आपको लग रहा है आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो थोड़ा संभल जाइए, फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो के वक्त अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो शो के बाद भी आप आचार्य जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये लाइन्स 24/7 ओपन है। आचार्य जी, हम जादू टोने के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि इसका क्या असर पड़ता है जिस पे किया जाता है, और इसको भी सकारात्मक तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है? इसे यूज तो सकारात्मक तरीके से ही किया जा सकता है, करना चाहिए ही नहीं, वो तो ही है, परंतु लोग उसे अपने स्वार्थवश। मैं एक और बात के लिए आगाह कर दूं, जो लोग करके दे रहे हैं ना, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका ही स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, आपका नहीं। एक ऐसा भ्रम बेचा जा रहा है आपको जो होता ही नहीं है, जिसका स्पेस ही नहीं वो आपको दिखाया जा रहा है।
ऐसी हवा बनाई जा रही है, ऐसी ऐसी तस्वीर बना के दिखाई जा रही है जो होती ही नहीं है, कहाँ से ढूंढेंगे? उसके लिए आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा जिन्होंने ये क्रिएट किया है, और वो तो चाहते ही यही है कि आप भ्रमित हो जाए। एक कहावत है ना, पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, बस आप ठीक से जाने पहले, ये बहुत आवश्यक है। यद्यपि वेदना में इतना इतना संयम रख पाना, कष्ट के समय अपने आप को संयमित रख करके आगे बढ़ना ही मानव का धर्म है, जो नहीं कर पाते हम, तभी हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन करना चाहिए। और उसके बाद जब आप सही जगह पहुंचे तो फिर उस पर ओवरलैपिंग नहीं करें, कुछ भी अपनी चीजें नहीं, हम जो सुनना चाहते हैं वो नहीं, हमारे लिए जो उचित है वो। जनरली होता क्या है कि हम वो चीजें चाहते हैं जो हमें ठीक लग रही हैं, परमात्मा वो करता है जो आपके लिए ठीक होती है। तो दोनों में अंतर है ना, बहुत अंतर है। यद्यपि प्रारंभिक स्टेज में वो आपको बहुत बेहतर न लगेगा, लेकिन होगा तो वही सही जो आपके हित में होगा, जो आपके हित में होगा, वो आपको बिफोर नहीं आफ्टर की व्यवस्था है, वो बाद में पता चलेगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखे हो जारी, आपत्ति के समय यही सारी चीजें तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है जो आपका साथ छोड़ रही होती है। आचार्य जी बस यही चाहते हैं कि ऐसी मुस्कुराते आप हमारे अगले कॉलर का भी स्वागत करें। जी बिल्कुल स्वागत है। हेलो। हाँ हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी, अपना नाम बताएं। सविता जी कहाँ से बोल रही हैं आप? गढ़चिरौली महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं आचार्य जी से। हेलो हेलो आचार्य जी प्रणाम, बहुत आशीर्वाद, कैसी हैं आप? हाँ बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, आपने जो बात बताया उससे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरा बेटा था ना, बेटा और बेटी दोनों पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो बेटे का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया जो आपने उपाय बताया ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, और जो ये जो उपाय है ना, मैं हमेशा के लिए करना चाहती हूँ, और जैसे नहीं क्या एकदम आपको आपको उपाय निरंतर करने भी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अभी बहुत आवश्यक है। आना है मेरे, और उसके बाद मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलने वाली हूँ आपको, और आपने जो पूरी लाइफ चेंज कर दिया आचार्य जी, हर चीज में नहीं आप ये बता सकती, लेकिन पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, धार्मिक थी, लेकिन अभी इतनी धार्मिक हो गई हूँ कि मुझे है ना पूजा पाठ जो करने बैठती तो ढंग से नहीं की तो समाधान नहीं होता, बहुत बहुत चेंज आ गया लाइफ में। यही तो यही आवश्यक है, यही बोल रहा हूँ, सभी से बोलती हूँ, बहुत बढ़िया। दिनों से आठ नौ महीने से आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन उससे भी पाँच छह महीने पहले से मैं आपका जो शो है ना देखती थी, हमेशा देखती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कॉल करूँ, पता नहीं क्या बताएंगे, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत खूब। तो उससे तो जब से आप ये जो उपाय कर रहे हैं ना, बहुत रिलीफ है, बहुत रिलीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आपको, और परमात्मा का रिजल्ट आने का है। और मुझे तो अभी पॉजिटिव ये लग रहा है कि अभी खाली वो काम होना है आचार्य जी, खाली वो काम कर दीजिए बस, फिर मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलने वाली हूँ आपको। एकदम ठीक है, आपका ये थैंक यू भी बहुत बड़ा है, अगले बड़े थैंक यू के लिए हम फिर से इंतजार करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि ये इंतजार भी बहुत सुकून वाला है। आप सब निरंतर ऐसे करते रहे तो ये इंतजार शायद बहुत वर्षों तक चलेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, आप ऐसे ही धर्मनिष्ठ रहे, परमात्मा की आराधना करें, उनके चरणों में अनुरक्ति रखें, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद मैडम। दोस्तों अगर इसी तरह आप भी एक कॉल करना चाहते हैं, चाहे वो थैंक यू कॉल हो, छोटा थैंक यू, बड़ा थैंक यू, या कॉल अपनी समस्या के लिए हो, तो बेझिझक फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना बिल्कुल ना भूलें। आचार्य जी, जो जादू टोना है, किसी के ऊपर कुछ कर दिया है, उसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप बीच बीच में, और जादू टोना बहुत बहुत बार छोटे बच्चों पर भी किया जाता है, और सही बात अगर आपको कहूँ तो कितनी बार ऐसा होता है कि जादू टोने के लिए कोई बहुत प्रयोग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सामान्य तरीके से भी लोग कर लिया करते हैं, बहुत छोटी छोटी ईर्ष्या और द्वेष के चक्कर में ऐसा कुछ कर लिया करते हैं। अगर कभी ऐसा आपको महसूस होता है तो आप गाय की पूँछ से रविवार मंगलवार 5 से 7 बार अगर
उस व्यक्ति को झाड़ा दिया जाए, सिर्फ ऊपर से नीचे की वो स्पर्श करा दिया जाए, तो ऐसी अव्यवस्थाओं से आप मुक्त हो जाते हैं। अगर गाय जहाँ बंधती है गौशाले की, मिट्टी ला करके लाल कपड़े में बांध करके बेड पर बांधी जाए, तो भी ऐसी अव्यवस्थाओं से आप मुक्त हो जाते हैं। अगर गाय का गोबर गुरुपुख्य के नक्षत्र में ला करके उसे सुखा करके अगर आप अपने दरवाजे पे बांधें, तो ऐसी अव्यवस्थाओं से आप पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। गोरोचन से अगर आप ओम गम गोपालाय नमः लिख करके उसे फ्रेम करा के अपने मेन द्वार पर लगाते हैं, तो भी ऐसी अव्यवस्थाओं से आप मुक्त रहते हैं और ऐसी अव्यवस्थाएं आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। क्या बात है आचार्य जी, कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो अगले कॉलर से बात करते हैं। बिल्कुल स्वागत है। हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम मेघा शर्मा है। नमस्कार गुरु जी को। नमस्कार। नमस्ते। बात नमस्कार मेघा जी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक है गुरु जी, स्वागत है आपका। गुरु जी कुछ पूछना था मुझे। हाँ हाँ एकदम बताइए, क्या जानना था? हाँ मेरा जन्म तारीख 6 जुलाई 1984 का है। हाँ 6 जुलाई 1983 का है और ये पंजाब का है जी। समय, जन्म का समय बताइए। ओके, जन्म का समय मेरा सुबह 7:45 का है। तो क्या जानना चाह रहे हैं? मुझे फोरन के बारे में पूछने का था कि मेरा फोरन का ट्रिप, मतलब फोरन का लगेगा योग के नहीं? विदेश भ्रमण करना चाहती हैं या विदेश प्रवास करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मुझे रहने के लिए ही जाने का है। पीआर मिलेगा के नहीं? और मेरा मतलब सेहत भी थोड़ा ठीक नहीं रहता है टेंशन के कारण। आपका ज्यादा निवास साउथ में रहा है या महाराष्ट्र में? मेरा महाराष्ट्र में रहा है जी। हाँ आपकी कुंडली में बाहर का योग बनता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेंगी, जो आप निरंतर कर भी रही हैं, और ये काम थोड़ा सा और समय लेगा अभी, तो आप इसमें जल्दबाजी नहीं करें और ऐसे लोगों से एकदम बचने की कोशिश करिएगा जहां पर आपके पैसे फंस सकते हो। बहुत आर्थिक लेन देन के प्रति अपनी इच्छा को थोड़ा दबाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये बात पता है कि आपका काम थोड़ा विलंब से होगा, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें और उससे रिलेटेड उपाय करें। उपाय में आपको करना ये है कि देवी मंदिर में जाकर के मीठी वस्तु का भोग लगाना है। खीर हो सकती है, हलवा हो सकता है, सामान्य मिठाई भी हो सकती है। अखंड दीपक जलवाइए, चाहे थोड़े 24 घंटे के लिए सही या निरंतरता में जैसी आपकी सामर्थ्य हो, अखंड दीपक आपके जीवन में बेहतर फल लाएगा। और धार्मिक पुस्तकों का दान करें, जो भी आपसे सामर्थ्य हो सके, जितनी भी मात्रा में, जितने भी प्रकार की आप धार्मिक पुस्तकें, जिस धर्म पर आपकी आस्था और निष्ठा है उसके आधार पर धार्मिक पुस्तकों का दान करें। और संभव हो सके तो कुछ बुजुर्ग आचार्यों को, जो थोड़े वृद्ध हों, उनको बुला के अपने घर में भोजन कराएं, सदक्षिणा उनकी विदाई करें। उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा से ऐसा काम करिएगा, कोई दुर्भावना बिल्कुल मत आने दीजिएगा। ऐसा करने से ये योग में वृद्धि होगी, संयोग बनेगा आपका विदेश प्रवास का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप जुड़े रहिए आचार्य जी से और फॉलो करिए उनकी गाइडेंस। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से सब व्यूअर्स, सब कॉलर्स की तरफ से, जो आपने अपना इतना कीमती समय हम सबको दिया और कीमती वैल्यूएबल गाइडेंस, वैल्यूएबल मार्गदर्शन आपसे जो मिलता है, वो बहुत लोगों को एक नई ऊर्जा, एक नया कॉन्फिडेंस और एक नई किरण प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्यार में अंडरस्टैंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उनकी आपस की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग बनी रहनी चाहिए। तो बस इस केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाए रखिए, एक दूसरे पे विश्वास रखिए, और इसी होपफुल नोट के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। टिल देन लव योर लाइफ।